हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो जैसे कि सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है, सो इससे ये आइडिया लग गया होगा कि आपको केस स्टडी की जो टेंशन है वो खत्म होगी, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियल अपना सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है केस स्टडी के अलॉन्ग। बच्चों के इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ये दिक्कत दूर कर दी है। अगर इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम एग्जाम में फोड़ के आएंगे। और ये चैप्टर वाइज है, और मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। एनसीईआरटी पूरी करा चुका हूँ, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट का सीरीज चैप्टर वाइज करा चुका हूँ, आपको पता है, वो जाके ज़रूर देखिए। और इसको भी करते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो जो पहला क्वेश्चन है अपन का, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड का पहला ये आर्टिकल हमें पढ़ना है। क्या दे रखा है? कह रहे टू इन्हेंस द रीडिंग स्किल ऑफ अ ग्रेड एक्स स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। अब ये चीज़ हमें बता दी गई है कि हमारे पास क्लास 10 के दो सेक्शन हैं जिनमें 32 और 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? इस पर अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए, वो एक चीज़ और बताऊंगा, मैंने ढेर सारे एक्स्ट्रा केस स्टडी क्वेश्चन करा रखे हैं, सैम्पल पेपर करा रखे हैं। आप वीडियो लिस्ट जरूर चेक कीजिए, प्ले लिस्ट चेक किया, आपको ढेर सारे मिलेंगे। स्पेशली वीडियो लिस्ट को जरूर स्क्रॉल करना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपसे हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल अकर, ठीक है, अक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम का मतलब होता है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और अगर यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड आता तो इट मीन्स हमें क्या निकालना होता है, एचसीएम। तो हमें 36, क्योंकि ए में 32 और बी में 36 है, तो हमें क्या करना है, 36 और 32, यही है ना? हाँ, यहाँ पर 32 लिख देते हैं और यहाँ पर 36, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, और उसकी मदद से हमें क्या निकालना है, मिनिमम का मतलब एलसीएम निकालना है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, सो 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर कितना, 5 × 1, 36, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, सो 36 कैन बी रिटन इज 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 इंटू 1। अब हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, एलसीएम, ठीक है? तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5, और क्या बच गया, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 बोले तो 32 एंड 9, 9 × 2 = 18 कैरी 1, 9 × 3 = 27, ठीक है, 27 और 1 = 28, आंसर कितना आ गया, 288, सो आंसर इज 288, ठीक है? मेरे पास इन्होंने अपना आंसर भी दे रखा है, कैसे करना ये नहीं बोला, लेकिन आंसर्स क्या गया वो ज़रूर बता रखा है, ठीक है? तो पहला जो आंसर है हमारा वो 288 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, देख सकते हैं, ठीक है? सो मैं आपको आंसर भी कन्फर्म करवाते हुए चलूँगा। ओके, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एनसीएम इज ट्रू, देन एलसीएम कितना हो, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो आपको बातों में उसने घुमा दिया, स्टार्टिंग में दूसरे आपको बातों में घुमाया। अगर स्मार्ट हो तो बस 32 और 36 का भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जस्ट अभी कैलकुलेशन किया था, एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में हो और उसकी मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, सो आंसर कितना आ जाएगा, 4, दैट्स इट, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कैन बोल रहे 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 36 को हम कैसे लिख सकते थे, देखो 36 को लिख सकते 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 36 ना, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही जगह कर लिया और सारा काम बन जा रहा है। तो सीबीएसई हमें ये बताना चाह रहा है कि बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, आपने जो सैंपल खरीदे उन्हें बहुत ज़्यादा आपको डराया जा रहा है, ठीक है, हर जगह यही रूल चलता है बेटा, सच बताऊं तो आपके डर का फायदा बनाते हैं, आपको डरा डरा कर आपसे चीज़ें खरीदवाया जाता है, ठीक है, आपके डर का फायदा उठाया जाता है, आपके अंदर के जो इनसिक्योरिटी होती है ना उसका फायदा उठाया जाता है, यही इंडस्ट्री है, हर फील्ड में लागू होता है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं ऐसे, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो आप किसी भी चैप्टर के ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और ये मैं शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, 7 × 11 × 13 इज ए वॉट, क्या है ये नंबर, कंपोजिट है, प्राइम है, क्या है? तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट क्या होता है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। सो ये नंबर देखो, अगर क्या कॉमन है, यहाँ से 15 कॉमन है ना, सॉल्यूशन में आ जाओ, मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, अंदर क्या बचा, 7 × 11 × 13 पूरा बाहर आ गया तो एक बचता है। सो देखो यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व होके कुछ आएगा, इंटू में वन, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, मोर देन टू फैक्टर आ गए, एंड मोर देन टू फैक्टर बोले तो कॉम्पोजिट नंबर। तो ये नंबर मेरा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है, बेसिक बेसिक CBSE ने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, तो CBSE ने क्यों दिया है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन ढंग से कर पाओ, जो टेंशन लेके चल रहे हो उस टेंशन को कम करने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन बोला, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें पी बोल रहा, पी हमारा ए है एंड क्यू हमारा बी है, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर्स, तो HCF क्या होगा। ठीक है, पी हमारा ए है एंड क्यू हमारा बी है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, अच्छा LCM पूछा है ना, LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ए इसमें है इसमें नहीं है, बी इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर है LCM निकालने के दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है, सो आंसर हमारा जो पहला है वो ट्रू हो जाएगा, ए बी। सो देखो कितना आसान था, झट से हो गया ना, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केस स्टडी नंबर टू वाले प्रॉब्लम पे आ गए हम, क्या हुआ है, देखो जितने भी है ना सारे करवा दूंगा मैं आपको, बस इनको टाइप करने में ना PPT बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो आप समझ सकते हैं मैं अकेला बंदा हूँ, सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम तो लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने छोटे भाइयों को शेयर करना जो अभी 10th में आने वाले हैं, आप 11th में जाओगे तो भी हमसे मैथ्स हमसे ही पढ़ना, हम ही पढ़ाएंगे, 11th 12th BSc MSc BTech सारे मैथ्स हम पढ़ाते हैं। कह रहे हैं, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली, ये नंबर है 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इन्हीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग आर इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट अकॉर्ड अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर, थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मेरी इधर की उधर हो सकती है, सो उसे एडजस्ट करना, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ इंग्लिश का नहीं, ठीक है, सो उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी वीक है, आई एक्सेप्ट दैट। सो मैक्सिमम का वर्ड का मतलब क्या होता था, अभी मैंने बताया था कि आपको HCF निकालना है तीनों चीज़ों का, किसका, इसका इसका इसका, तो प्राइम फैक्टर करो 60 का, दो तिया 15, 3 × 5 कम, तो 60 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 की पावर 1, ठीक है, फिर क्या है मेरे पास 84, 2 4 2 2 2 2 2 1 3 7 7 1, तो इसको लिख सकते हो 84 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, फिर मेरे पास क्या बच रहा है 108, तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 2 1, तो सबसे पहले वाले पे हमें निकालना है HCF,
तो HCF निकाल लो इसका, जो तीनों में है, तीन नंबर है, मिनिमम पावर टू, तीनों में तीन है, मिनिमम पावर वन, ठीक है। तो ये 4 × 3 विच इज़ 12, तो कितना आ गया, 12 आ गया। सो हमारा आंसर कितना होगा, 12 होगा, ईजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। देखो एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठ सकते हैं, 12, और आपके पास पार्टिसिपेंट कितने थे, पार्टिसिपेट थे 60, 84, 108, 60, 84, 108, 8 × 4, 12 कैरी 1, 8 × 6, 14 और 1 = 15, 252, 252 मेरे पास कुल विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और एक रूम में मैक्सिमम बैठ सकते हैं 12, 12 से डिवाइड कर दो, 12 × 2 = 24, 12 × 1 = 12, तो टोटल कितने रूम चाहिए मेरे को, एट मिनिमम 21 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने रूम चाहिए, 21 रूम चाहिए। हलवा, एकदम हलवा, ये क्वेश्चन भी हो गया। कह रहा था LCM ऑफ दिस दिस एंड दिस व्हाट, तो सारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब जैसे अभी हमने HCF निकाला था ना, यही देखो मैं आपको LCM निकालता हूँ, जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर तीन है ना, तीनों में तीन की मैक्सिमम पावर 3, और बच क्या गया, 7 मल्टीप्लाई में डाल दो, 4 × 9 × 7, तो ये आ जाएगा 4 × 28 × 9, 9 × 8 = 72 का 2 कैरी 7, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, ठीक है, 252 आ रहा है। LCM गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, शायद गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, LCM फिर से निकालना है ना, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, हाँ गड़बड़ कर दिया, 9 नहीं, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 था, ये 5 भी तो था, 5 मिस्टेक हो गया था, इंटू में 5 इंटू में 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी गाइस, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और कमेंट करके बताना कि सर ये मल्टीप्लाई करने पर आया था और ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। तो देखो इन तीनों का क्या आया था, प्रोडक्ट HCF और LCM, HCF हमारा कितना आया था, 12 आया था, अभी LCM कितना आया है वो यहाँ लिखोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी LCM मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मैं फटाक से बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आया होगा आपका, जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो LCM आपका आया होगा 3780, ठीक है, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 45360, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4536, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 108 कैन बी रिटन एज 108, अभी हमने किया था 108, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, अब केस स्टडी प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है आपका प्रॉब्लम, कह रहे मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है, जो हम फैक्टर कर रहे होते हैं ना उसको ट्री फॉर्म में बना देते हैं, और ये कुछ बना उसका फैक्टर ट्री, ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कम्प्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। तो देखो इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो तो चलो ठीक है, लेकिन फैक्टर ट्री क्या होता है ना, अगर मैं इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं इसकी और इसकी प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, विच मीन्स अगर आप 11 और जेड की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 253 मिलेगा, तो z की वैल्यू क्या होगी, इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, तो z की वैल्यू 23 होगी, z क्या होगा मेरा 23, ठीक है।
उसके बाद देखो अगर मैं इसकी और इसकी प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना, सिंस वाई इंटू 253 इज इक्व टू 2783, ठीक है, वाई 2783 ये 2783 ये 253, इससे आपको डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, एक बार 253 माइनस करोगे तो 5 2, 11 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा 11, सो वाई की वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, पाँच तीन 15 कैरी 1, 8 पंजे 40 और 1 41 कैरी 4, 8 सत्ते सॉरी 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, हारे 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यह आ जाएगा एक्स। अब देखते हैं हमसे क्या क्या हमसे पूछा था, जो भी पूछेगा वो हम आंसर लेके पहले ही बैठ चुके हैं, वाई की वैल्यू हमारी 11 आई थी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 39115, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू हमारी 11 आई थी, सो आंसर हो जाएगा 11। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, जेड की वैल्यू हमारी आई थी 23, ठीक। और फिर बोलो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये नंबर किस क्या है, देखो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, जब कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सिंपल। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, 1391, तो किससे डिवाइड होगा, 5 है, यूनिट पे 5 से होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 3 और 5 छंग 30, 5 तीन 15, 5 नम 45, क्लियर। अब ये किससे कटेगा, 9 किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 9 नौ 3 से तो नहीं कटेगा, है ना, फिर 11 से काटो क्योंकि 11 11 दिख रहा है, हिंट दे रखा है उसने, 11 से काट के देखो, 11 दुनी 22 कितना बचा यहाँ से, 4, ठीक है, 43 हो गया, 11 तिया 33, ठीक है, कितना बचा, 11 से भी नहीं कट रहा है क्या, 11 से तो नहीं कट रहा है, फिर से देखो एक बार चेक कर लो, और 5 दुनी 10, ठीक है, 5 छंग 30, 5 तीन 15, 5 नौ 45, ठीक है, कटेगा इन्हीं नंबर में से, तो ये तो नहीं कट रहा है, 11 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है, 11 से नहीं कट रहा है, तो 11 दुनी 22, 4 बचा, ठीक है, तो 43 हो जाएगा, 11 तीन 33, तो 10 बच जाएगा, 10 और 9 109 हो जाएगा, तो 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, 11 से नहीं कट रहा है, इट मीन्स, लेकिन यहाँ पर तो सब दे रखा है, 11 इतनी बार दे रखा है तो 11 से तो कटना चाहिए, एक बार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दी हमने। सो देखो प्रॉब्लम हमने कर दी थी, क्या कर दी थी, 13915 है, मैंने 13195 लिख दिया, है ना, गड़बड़ कर दी यहाँ से, सो आप समझ सकते हैं, तो ये गड़बड़ की वजह से आंसर नहीं आ रहा था, 13915 है। अब काट के देखो, 5 से कटेगा, 5 दुनी 10 39 हो गया, 5 सत्ते 35 41 हो गया, 5 अठे 40, ठीक है, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, और ये 11 से तो कटेगा क्योंकि देखो सब में 11 है, 11 दुनी 22 58 हो गया, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 दुनी 22 11 तिया 33, 23 से कम 23, तो फैक्टर होगा 5 11 की पावर 2 23 5, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं रियल नंबर्स के,
अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीनोमियल के करेंगे। मेरा मोटो है कि मैं आपको चैप्टर वाइज दूं। क्या दूं? चैप्टर वाइज। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, आराम से इनको प्रैक्टिस करना, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको हर बार। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलीनोमियल मिलेगा। टू बी कंटिन्यूड।